नमस्कार मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। उत्तर प्रदेश सरकार ने सपा के सीनियर नेता आजम खान को भूमाफिया बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध किया है। यही नहीं, यूपी सरकार ने कहा कि आजम खान आदतन अपराधी है। यूपी सरकार की तरफ से अदालत में पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आजम खान पहले ही भूमि कब्जाने के मामले में जांच अधिकारी को धमकी दे चुके हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष उन्होंने कहा कि आजम खान भूमाफिया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को गेहूं के निर्यात पर लगे बैन में कुछ ढील देने की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि जहां कहीं भी गेहूं की खेप को जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है और 13 मई को या उससे पहले उन्हें सिस्टम में उन खेपों को पंजीकृत कर दिया गया है, उन्हें निर्यात के लिए अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने के लिए समय सीमा अब 28 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोर्ट का यह आदेश सुपरटेक बिल्डर द्वारा टावरों को गिराने की 22 मई की समय सीमा को आगे बढ़ाने की मांग पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को अदालत के आदेश के अनुपालन पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अभी तक इन टावर्स को 22 मई को गिराया जाना प्रस्तावित था। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग अपनी धाकड़ बल्लेबाजी और बेबाक बयानबाजी के लिए हमेशा से चर्चा में रहे। इसके अलावा सहवाग और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बीच मैदान के अंदर बाहर छिटांकांची भी काफी चर्चा में रही है। वीरू ने अब कुछ ऐसी बातें कही है जिसे सुनकर शोएब अख्तर को आग लग सकती है। सहवाग ने कहा है कि अख्तर को खुद मालूम था कि वो चक्का गेंद फेंकते हैं और उनका बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं था। अमेरिका में आपातकालीन उपयोग के लिए संग्रहित कच्चे तेल की मात्रा 35 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि देश में ईंधन की कमी को दूर करने के लिए जो बाइडेन प्रशासन ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से कच्चा तेल सप्लाई का फैसला किया था। अमेरिकी ऊर्जा विभाग से मिले आंकड़ों में यह बात सामने आई है। वाराणसी की कोर्ट में ज्ञानव्यापी केस सर्वे को लेकर हो रही सुनवाई पूरी हो गई है। अब अदालत 3 बजे अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले 3 दिन और कुल 10 घंटे चले सर्वे के बाद कल हिंदू पक्ष ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजू खाना में शिवलिंग मिलने का दावा किया है। हिंदू पक्ष ने इसके संरक्षण के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर कोर्ट ने वजू खाना को सील करने का आदेश दे दिया है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानव्यापी में सर्वेक्षण के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई होनी है। बॉम्बे 1993 सीरियल ब्लास्ट की जांच के मामले में बड़ी खबर आई है। गुजरात एटीएस ने मामले में वांटेड 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 12 मार्च 1993 में हुए धमाकों में करीब 257 लोग की जान गई थी, वहीं 700 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना का मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और मेमन परिवार को माना गया था। श्रीलंका में आर्थिक संकट का असर द्वीप राष्ट्र में हर जगह दिखाई दे रहा है। हालात इस कदर खराब है कि धार्मिक स्थानों को भी तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। श्रीलंका के नुवारा एलिया में स्थित रामायण फेम अशोक वाटिका आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। कांग्रेस ने चिंतन शिविर में लिए अपने फैसलों को सख्ती से लागू करने की बात कही है। शिविर में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए पार्टी के महासचिव अजय माकन ने कहा है कि हमें ढांचागत बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि काम करने वालों को इनाम दिया जाए और उनकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए ही फैसले लिया जाए। कांग्रेस ने कहा है कि हमने युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने पर भी विचार किया है ताकि हर स्तर पर ऐसे लोगों को मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि 50 अंडर 50 का हमारा फैसला नव संकल्प ही नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प है। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर सरकार अलर्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सुरक्षा की जानकारी के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। खास बात यह है कि 2 साल के बाद 30 जून को फिर वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। माना जा रहा है कि बीते हफ्ते जम्मू और कश्मीर में एक के बाद एक हुए हिंसक घटनाओं के चलते भी सरकार सतर्कता बरत रही है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के वर्किंग ग्रुप 2 के क्लाइमेट चेंज 2022 इंपैक्ट एडाप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी नाम से एक रिपोर्ट मार्च में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में पहले ही ये संकेत दिए गए थे कि एशिया अत्याधुनिक गर्मी के कारण उच्च मानव मृत्यु दर का सामना कर रहा है। स्टडी के लेखकों ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन एशिया में हीट वेव, बाढ़, सूखा और वायु प्रदूषकों जैसे खतरों को और अधिक बढ़ा रहा है। सीबीआई ने कीर्ति चिदम्बरम पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 50 लाख रुपए की घूस के बदले 250 चीनियों को भारत का वीजा दिलवाने में मदद की है। ये लोग पंजाब में चल रहे एक प्रोजेक्ट में काम के लिए आए थे। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने सीबीआई के हवाले से ये जानकारी दी है। संबंध में सीबीआई ने उनके खिलाफ एक नया केस भी दर्ज कर दिया है। मंगलवार सुबह दिल्ली से चेन्नई तक सीबीआई ने कांग्रेस के सीनियर पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति के सात ठिकानों पर छापेमारी की थी। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जितेन नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को 3 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। जितेन नारायण सिंह त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल दिसंबर में आयोजित हरिद्वार धर्म संसद में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था।
खाने पीने की चीजों और वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 15.08% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। वीपीआई आधारित मुद्रास्फीति मार्च में 14.55% और पिछले साल अप्रैल में 10.74% थी। अप्रैल 2022 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से खनिज तेल, मूल धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खाद्य पदार्थों, गैर खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों और रसायनों और रासायनिक उत्पादों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण रही। कांग्रेस नेता अजय माकन का कहना है कि उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में चर्चा नहीं होनी थी और हुई भी नहीं। शिविर में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है उन 6 समूहों पर आधारित थे जिन्हें इस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने के लिए कोई पैनल नहीं थी। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने कहा है कि शिविर में नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई और इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की मंगलवार को समीक्षा की। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। केंद्र शासित प्रदेश में हाल में कुछ कश्मीरी पंडित समेत अन्य की लक्षित जान लेने के मामले कई सामने आए हैं। उच्च स्तरीय बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ साथ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख ने भी शिरकत की। इस बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा भी लिया गया जो 2 साल बाद 30 जून से शुरू होगी। कर्नाटक के मदिकेरी जिले के एक स्कूल परिसर में एक शिविर का आयोजन हुआ जो तकरीबन 1 हफ्ते तक चला। इस शिविर में 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने एयर गन चलाने की ट्रेनिंग ली है। इस ट्रेनिंग के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने शिकायत दर्ज कराई है। इसकी जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी है। पीएफआई के सदस्य इब्राहिम ने शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच की मांग की है। वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने सोमवार को घोषणा की है कि उसने निजी कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों के लिए अपने वैक्सीन कोर्बोवैक्स की कीमत 840 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दी है जिसमें GST भी शामिल है। अंतिम उपयोगकर्ता के लिए कीमत 400 रुपये प्रति खुराक होगी जिसमें कर और प्रशासन शुल्क शामिल है। हैदराबाद स्थित कंपनी ने कहा है कि उसने अपने टीके की कीमत कम कर दी है ताकि इसे और ज्यादा किफायती बनाया जा सके और वायरस के खिलाफ बच्चों की अधिकतम संख्या की रक्षा के लिए पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सके। वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने सोमवार को घोषणा की कि उसने निजी कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों के लिए अपने वैक्सीन कोर्बोवैक्स की कीमत 840 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दी है जिसमें GST भी शामिल है। अंतिम उपयोगकर्ता के लिए कीमत 400 रुपये प्रति खुराक होगी जिसमें कर और प्रशासन शुल्क शामिल है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1569 नए मामले सामने आए हैं और देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,25,370 हो गई है। देश में 28 दिन बाद 2,000 से कम दैनिक मामले दर्ज हुए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 16,400 रह गई है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और पराग अग्रवाल सोमवार को ट्विटर पर भिड़ गए। ट्विटर के सीईओ अग्रवाल ने बताया कि कैसे माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म स्पैम और फर्जी खातों से लड़ रहा है जिस पर मस्क ने आपत्ति जताई है। मस्क ने $44 अरब के ट्विटर अधिग्रहण सौदे को फिलहाल होल्ड पर रखा है। मस्क ने अपने ट्विटर थ्रेड पर अग्रवाल को पू का ढेर दर्शाते हुए एक इमोजी भी दिखाई है। यूक्रेन पर हुए रूस के हमले ने समूचे यूरोप का समीकरण बदल कर रख दिया है। नाटो के मुद्दे पर यूक्रेन को निशाना बनाए जाने के बाद यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा को लेकर खासा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यही वजह भी है कि फिनलैंड और स्वीडन ने रूस के विरोध और चेतावनी को दरकिनार कर इसकी सदस्यता लेने में रुचि दिखाई है। इसके लिए स्वीडन को केवल अपनी पार्लियामेंट में औपचारिक मंजूरी लेने के बाद विदेश मंत्री की तरफ से इस आवेदन पर साइन कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक्स में लॉन्च कर दिया है। कार्यक्रम के शुभारंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड और यूक्रेन में चल रहे उथल पुथल के बीच इन विध्वंसकों का सामना करना बेहद जरूरी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मंगलवार को फ्रांस पहुंचे जहां उनके स्वागत फ्रांस में भारत राजदूत जावेद अशरफ ने किया। केंद्रीय मंत्री फ्रांस में प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल होंगे। 75वें कान फेस्टिवल महोत्सव के रेड कार्पेट कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ संगीतकार AR रहमान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी शामिल हो रहे हैं। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी नामक संस्था ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है और कहा है कि भारत में कोविड के प्रकोप और उसके कारण किए गए लॉकडाउन के कारण रोजगार को भारी धक्का लगा है। संस्था का कहना है कि कोविड के महाप्रकोप वाले साल 2020-21 के दौरान वास्तविक GDP में 6.6% की गिरावट हुई। हालांकि 2021-22 में अर्थव्यवस्था में 8.95% का उछाल आया है लेकिन अभी भी भारत की वास्तविक GDP 145.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर मात्र 147.7 लाख करोड़ रुपये तक ही पहुंच पाई है।
असम में लगातार बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बारिश के चलते कई इलाकों में भूस्खलन की स्थिति भी देखने को मिल रही है। राज्य के 24 जिलों में करीब 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार अकेले कछार जिले में ही 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाढ़ से 46 राजस्व मंडलों के 652 गांव प्रभावित है। बाढ़ के पानी में 16,645.61 हेक्टेयर फसल भूमि जलमग्न है। दुनिया में सिर्फ इंसान ही जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं करता, बल्कि पशु पक्षियों के समक्ष भी यह संकट विद्यमान है। इस धरती पर 50% ऐसे परिंदे हैं जो सदियों में एक देश से दूसरे देश में हजारों मील का सफर तय करके दाना पानी की तलाश में आते जाते रहते हैं। हजारों सालों से ये रूस, मंगोलिया, चीन, अफ्रीका जैसे देशों से भारत में 4 महीने के लिए रहने भी आते हैं। कन्नड़ टीवी एक्ट्रेस चेतना राज के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है। चेतना का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। दरअसल चेतना फैट फ्री प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए अस्पताल में एडमिट हुई थी। हालांकि सर्जरी के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और फिर उनकी जान चली गई है। एक्ट्रेस के माता पिता उनकी जान के लिए और डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। टाटा मोटर समय के साथ अपने प्रोडक्ट्स में काफी कुछ बदल रहा है। टाटा ने इंडियन कार मार्केट को पूरी तरह से पकड़ के रखा हुआ है। टाटा अपने इस नए एसयूवी को हैरियर और नेक्सॉन के बीच रखेगा। टाटा की ब्लैकबर्ड एक मिड साइज एसयूवी होने वाली है और इस सेगमेंट के दूसरी गाड़ियों से इसका तगड़ा मुकाबला होने वाला है। इस सेगमेंट में पहले से ही हुंडई क्रेटा और मारुति सुजुकी ब्रीजा अपने हुकूमत को जमा कर बैठी हुई है। अब देखने की बात होगी कि टाटा की ब्लैकबर्ड इस मुकाबले में कहां खड़ी होती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है दिनेश कुमार, सचिन कुमार, कुश कुमार, निकिता कुमारी, परवेज आलम, शंकर मुखिया, संजय पासवान, विष्णुदेव कुमार मंडल, रंजीत मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी बारिश को लेकर क्या आपके जिले में सरकार की तरफ से पर्याप्त तैयारी कर ली गई है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।